प्रधान जी भी थे। कौन बचा रहा था? और बचा रहे प्रशासन बचा रहे, तब वो टूट कर सब जनता मार रहे थे। पूनम जी भी बचा रहे थे। पूनम दीदी बचा रहे थे और जीजा बचा रहे थे हम लोग को। अच्छा, हाँ सब लोग मार रहे थे, प्रधान जी ललकार रहे थे, सब लोग मार रहे थे। पूनम जी के साथ भी मारपीट किए? गोजी डंडा पूनम जी के साथ भी। हमने केतन से भागत भागत आ ली। रोल है पूनम जी, क्या हुआ था, किस तरह बुआ को आप बुआ आपको बधाई देने के लिए बुलाई थी, क्या हुआ है? वहाँ पे मेरी बुआ मुझे बधाई देने के लिए बुलाई थी। मैं उनके घर पे गई थी, मैं गाड़ी से, मेरे पापा बाइक से थे और मेरे चाचा जी बाइक से थे, हम गाड़ी से थे, हम बधाई दे दी बुआ। उसके बाद मैं निकल गई वहाँ से, बुआ के घर से। हम कुछ दूर आगे आ गए तब मुझे पता चला कि सब लोग वहाँ पे दो तीन लोग को घेर के मारने लगे। फिर मैं वापस वहाँ पे नहीं गई, मैं पुलिस स्टेशन गई वहाँ पे। वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखाया कि ऐसी ऐसी बात है सर, आप पुलिस फोर्स लेके चलो वहाँ पे, नहीं मार देंगे सब लोग उनको जान से। फिर उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ, मैं वहाँ पे बुआ के घर पे गई मैं। उसके बाद बुआ घर पे गई, वहाँ पे उनके बुआ के छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको भाइयों को बचाने के लिए गई थी। पर वहाँ से मुझे सब लोग एकदम जान से हमला करने के लिए, पूरा गांव वहाँ पे टूट पड़ा था। फिर मैं उन बच्चों को, पांच बच्चों को मैंने बचा के लाया वहाँ से। कौन लोग थे जिनसे लड़ाई झगड़ा हुई थी? वो मुझे पता नहीं, उनके पूरे गाँव थी वहाँ पे, मुझे कुछ वहाँ पता नहीं क्या हुआ था। मैं बस बुआ के घर गई थी उनसे, मतलब बुआ कल मेरी नहीं आई थी यहाँ पे, मैं उनसे मिलने गई थी। किस खतरनाक तरीके से हमला किया गया आपको, किस तरीके से हमला किया गया? पूरा जानलेवा हमला हुआ वहाँ पे। अगर पुलिस फोर्स नहीं रहती और एम्बुलेंस नहीं रहती, पुलिस फोर्स ने एम्बुलेंस में उन लोगों के ऊपर भी लाठी चार्ज पत्थर सब ने मारा, उन्होंने बचा के मुझे लाया यहाँ तक एम्बुलेंस में बैठा के। फिर मैं मुझे उधर ले गए थे, 100 नंबर डायल किया था पर फोन नहीं लगा वो तो।